मिला हुआ साफ और शफाफ रेगिस्तान और इस पर बनी कुदरती पैटर्न और यहाँ की खूबसूरती इसे पाकिस्तान की सबसे असीम खत्ता बनाती है। अगर आप कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार रोशकी ज़रूर जाएं। ये वीडियो रोशकी की सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें आपको रोशकी शहर के मुतालिक मालूम देंगे। कोयटा से रोशकी का फासला 124 किलोमीटर पर मुहित है, जहां आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। कोयटा से आए लोग सबसे पहले यहाँ की सबसे बुलंद चढ़ाई पर पहुंच जाते हैं, जिसे सुल्ताना चढ़ाई कहा जाता है। तंग सड़क और ज़्यादा ढलवान की वजह से आपकी गाड़ी की रफ्तार कम हो सकती है। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज हो सकते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ और इनके दरमियान से बनी सड़क और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ियाँ इस पूरे मंजर को और असीम बना देती हैं। यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर सफर करने के बाद आप नुश्की शहर में एंटर करते हैं। ज़िले नुश्की कोयटा के शुमाल मगरब में वाक़िया है। 2900 फुट सतह समंदर से मिला है और ऊंचे पहाड़ों के दामन में रेगिस्तान के पास आबाद ये शहर सुनहरी रेगिस्तानों की वजह से मशहूर है। इसी वजह से इसे द सिटी ऑफ गोल्डन डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ के मशहूर तफरी मकाम में से एक शेख हुसैनी बाजार, खैसार नुश्की, जंगी नावर झील और नतू नर्रेक और पांचवा बंदोसी डैम शामिल है। एक डैम बहुत पहले जमाने के बने हुए हैं। यहाँ पे मेंगल बादिनी सैयद मोहम्मद असनी जमाल दीनी सासोली बड़ेच लांगव और दीगल कबाइल आबाद है। यहाँ के लोग बलोची बरावी और पश्तो बोलते हैं। ईरान से नज़दीक होने की वजह से यहाँ के रोज़मर्रा अशिया ईरान से आती है। जब आप रेत के टीलों के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में बेजान रेत के बंजर तस्वीर आते होंगे, लेकिन रेत की टीले दरअसल कुदरती ढांचे होते हैं जो कि बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ तक के कुछ रेत के टीले गाते भी हैं। इन पे बने खूबसूरत पैटर्न इनको और खूबसूरत बना देती है। बारिश के बाद यहाँ के मुकामी अफराद इन सुनहरी रेत के झीलों पे वक्त गुजारने आते हैं। नतू नर्रेक या सैंड यून यहाँ के मशहूर तफरी मुकामात में से एक है। बारिश के बाद ये इलाका और खूबसूरत हो जाता है।